जय श्रीमन नारायण मित्रों मित्रों बृहत पाराशर होरा शास्त्र में महर्षि पाराशर अपने 25वें अध्याय के भावेश फलाध्याय में संतान वेमे श्लोक में नौमेश का भाव फल बतलाते हुए कहते हैं कि भाग्य से रिपु भावस्थे स्वल्प भाग्यो भवे नरह मां तुलादि सुखैर ही न शत्रु भीर पीड़ित सदा। कहते हैं कि यदि आपकी जन्म कुंडली में आपके नवे घर का मालिक अगर छठे घर में बैठा हो तो ऐसे जातक जो हैं वो अल्प भाग्य वाले मामा के सुख से रहे एवं जीवन पर्यंत शत्रुओं से पीड़ित रहने वाला होता है। तो मित्रों ये फल तो बहुत ही खराब है और यदि नवे घर का मालिक आपकी कुंडली में छठे घर में बैठा हो तो उसके दूसरे पार्ट को देखें, कहीं आपकी कर्क लग्न की कुंडली हुई और छठे घर का मालिक छठे घर में ही बैठा हो, अर्थात नवे घर का मालिक और छठे घर का मालिक ये दोनों एक ही है और ऐसी स्थिति में एक हो करके और अपने दूसरे किसी स्वराशि में बैठा हो तो वहाँ के फल को भी देख लेना चाहिए। आपको मैंने बता रखा है कि छठे घर का मालिक कहाँ बैठा हो तो किस प्रकार का फल देगा, तो ये देख करके ही निर्णय करें और अगर स्वयं समझ में ना आवे तो किसी भी श्रेष्ठ ज्योतिषी से सलाह लेकर के अपॉइंटमेंट लेकर के बात करें, उसके बाद ही निर्णय करें। अथवा मैं तो आपके लिए निरंतर बैठा हूँ हर निशम सेवा में है, आप हमारे यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में अपना डिटेल लिखिए अथवा अपनी परेशानियों को लिखिए, मैं आपको बिल्कुल उचित सलाह वहाँ पे निःशुल्क दे दूंगा, आपका जीवन सुखी एवं समृद्ध बना रहे यही हमारी कामना। ठीक है, जय श्रीमन्नारायण।